हाय व्यूवर्स, वेलकम टू शेफ फैसल चैनल। मैं हूं शेफ फैसल। आज मैं लेकर आया आपके लिए चिकन टिक्का पराठा रोल की बहुत ही जबरदस्त और यूनिक रेसिपी, जो कि बच्चों और बड़ों में बहुत मकबूल है और बड़ी ही आसानी से घर में बन जाती है। लिए अब हम अपनी रेसिपी से चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में चिकन बोनलेस को स्मॉल क्यूब्स में काट के इसमें ऐड किया है और अब हम इसमें दही आधा कप शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर एक चाय का चम्मच, सूखी मेथी एक चाय का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला एक चाय का चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर एक चाय का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच या हसबे जायका इसमें हम शामिल करेंगे, नींबू का रस चार खाने के चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच इसमें हम डाल के इन सब अजार को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब अजार को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि सारे अजार चिकन में अब्सॉर्ब हो जाए। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, इसमें हम दो खाने के चम्मच तेल शामिल करेंगे और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो इसमें हम डाल देंगे। याद रहे, आँच को हमने दरमियाना रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। इसको हमने पैन पे अच्छी तरह से फैला देना है और फिर इसको हम कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मीडियम आँच पे हम पकाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशबू भी आ रही है और अब ये तैयार है। इसका कवर को हम रिमूव कर लेंगे और आँच को हम तेज़ कर देंगे और तेज़ आँच करके इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका पानी खुश्क हो चुका है और हमने चूल्हे को बंद कर दिया है। इसको हम एक डिश में निकाल लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, तो बराए करम हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमने इसको एक डिश में निकाल लिया है। अब हम स्टेप टू की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने एक खाने का चम्मच तेल डाला है और यहाँ पे मैंने फ्रोजन पराठा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पराठा घर में बना सकते हैं, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। इसको हमने पलटा के दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पटा लिया है। अब हम इसको रिमूव कर लेंगे और हम पराठे की असेंबलिंग की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसमें आइस पर लेट्यूस डाले हैं, इसके साथ ही मैंने खीरे का पीस इसमें रखा है और टमाटो के चंद स्लाइस हम इसमें ले जाएंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अनियन रिंग्स। आप अपने जायके के मुताबिक इनको ज़्यादा या कम कर सकते हैं और चिकन जो कि हमने टूट किया था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके ऊपर हम कॉकटेल सॉस का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ग्रीन चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तमाम रेसिपीज हमारे चैनल पर मौजूद हैं जो कि आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार चिकन टिक्का पराठा रोल तैयार है। इसे मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। आपका फीडबैक ही हमारा हौसला बढ़ाता है। इससे ज़्यादा शेफ फैसल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।